हैंड्स अप हाथ उठाओ, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाओ। श्रुति तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो फ्रूटी की तरह। ए खड़ा हो, तेरे को कौन अच्छा लगता है कॉमेडी सर्कस में? कपिल। साले शर्याम नाम लेके नजर लगाता है। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कृष्णा। शर्याम मेरे दुश्मन का नाम ले रही है। तुझे कौन अच्छा लगता है बे? जाकिर हुसैन। मंत्रा। शर्याम झूठ। तुझे कौन अच्छा लगता है बे? कभी कपिल कभी कृष्णा कभी मंत्रा। जो किसी एक का नहीं हो सकता वो कभी अपने देश का नहीं हो सकता। मैं कोई आम डकैत नहीं हूं, हम खानदानी डकैत है। आप सोच रहे होंगे कि खानदानी डकैत कैसे? हमारे खानदान में बड़ी डकैतियां हुई हैं, उसकी वजह से हम लोग गरीब हो गए, वरना हम लोग बड़े अमीर थे। कोई जमाना था अंग्रेजों के जमाने से पहले, हमारा बहुत बड़ा महल हुआ करता था, इतना बड़ा महल हुआ करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी पुराना बहुत था, हम लोग डर के मारे पंखा नहीं चलाते थे कहीं गिर ना पड़े। इतना बड़ा महल आप यकीन नहीं करेंगे कि बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जाने में 2 साल लगते थे। एक बार हमारे परदादा 1.5 साल तक तो चलते रहे, लेकिन बीच में उनके सब्र का बांध टूट गया। तो लोग बताते हैं भी जो धमाका हुआ महल के चीथड़े उड़ गए, और महल के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जो अंग्रेज रहते थे वो तो कब के छोड़ के चले गए इंडिया। बाकी जो बचे थे उन्होंने 1947 में छोड़ा। खैर अरबाज भाई के घर भी डाका मारने गया था, क्योंकि मुझे जब पता चला कि 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है, लेकिन जब घर पहुंचा सब बातें निकली। छोटे भाई के पास पूरी फुल पैंट नहीं थी, और तीनों भाई एक ही बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट फोटोस्टेट करवा के पहन के घूम रहे थे। आप देखो, लेकिन मुझे पता चला है कि इस घर में बड़ा माल छुपा पड़ा है, आज मैं इस घर को लूट के जाऊंगा। हेलो टिंग टॉंग। 7 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है। बस 7 बज गए ना बस। यस सॉरी, हमें कुछ नहीं चाहिए। नो सेल्समैन अलाउड, प्लीज लीव। ए हेलो, मैं घर घर जाके ना वॉशिंग पाउडर नहीं भेज रहा हूँ, डाका मारने आया हूँ मैं। डाका मारने? डाका? आप इतने हट्टे कट्टे हैं, आप डाका क्यों मार रहे हैं? हट्टा कट्टा आदमी डाका मारेगा? कमजोर आदमी डाका मारेगा? थप्पड़ नहीं खाएगा? मतलब अपनी बाहें मेरे गले में डालो। ओके। मेरा मतलब हाथ ऊपर करो। यस यस, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ओ माय गॉड, क्या हुआ? गोली से ज्यादा तुम्हारी बगलों से स्मेल आ रही है। दिल कर दे तुम्हारी बगल में ठोक के गोली मारूं मैं। सुनो, घर का सारा कीमती सामान कहाँ रखा है? देखिए देखिए भाई साहब, चोरी बुरी बात है, आपको ईमानदारी का काम करिए। देखिए बहन जी उधर बैठिए, मैं आपको एक बात बताऊं। यस प्लीज। बड़े काम कर करके छोड़े मैंने। अच्छा। बस एक मुर्गी बन के अंडा देना रह गया। मैंने बड़े काम किए, आपको पता मैंने कितने काम किए? मैंने कपड़े का काम खोला। हाँ, इतनी कमीनी दुनिया, कपड़ा खरीदने कोई नहीं आया। अगले दिन मैंने कपड़े में लड़की डाल दी, 1000 कस्टमर, साथ में पुलिस। मेरे साथ तो लोग तो रिश्तेदार धोखा करते हैं, मेरे साथ तो भगवान ने धोखा किया। क्या हुआ? मैंने बर्फ का काम खोला अपना, श्रीनगर से ट्रक भर के लाया, बॉम्बे आके पीछे खोल के देखा तो है ही नहीं। क्या हुआ? लूट के ले गए लोग। अरे चल चल, मत लगा मेरे को, जल्दी बता घर का कीमती सामान कहाँ पे? देखिए भाई साहब, हमारे घर में कोई कीमती सामान है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक सोने का दांत है, चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे वाला दांत है ना, पीछे। एक ही अच्छी चीज है, वो भी मुंह से निकाल देगी, तेरा मुंह कौन देखेगा? सॉरी। सुन, मैंने सुना है तुम्हारे घर के बगल में बैंक है। हाँ, उस दीवार के पीछे। पक्का? हाँ। तो एक काम करो, जब हसीना आए ना तो थोड़े से अपनी तरफ से भी हंस लो। सुनो, तुम इस बैंक को लूटने में मेरी मदद करोगी। ओके। और जितना पैसा बरामद होगा वो सारा मैं लेके निकल जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सारा किसी को नहीं। हाँ। यहाँ पे मैं। लगता है मेरे पति आ गए। मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। एक काम करो, अपने पति को बुलाओ, फटाफट निकाल देना उसको, और उसको बताना नहीं मैं यहाँ पे हूँ। चुप जाता हूँ मैं, चुप जाइए। उसको बताना नहीं मैं इधर हूँ। ओके। राठौड़ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मुझसे होता ही नहीं। जानू आप जल्दी आ गए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये क्या जानू, ये क्या? पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, गुलाब देते हैं, आप मुझे सांप दे रहे हैं? ये जिन्हें गुलाब मिलता है ना वो बीवियां भी गुलाब जैसी होती हैं।
सांप जैसी सूरत वाली। So mean you are. एक बात बता। हाँ। मुझे लग रहा है तेरे एक्सप्रेशन आज कुछ डिफरेंट है। क्यों? कहाँ डिफरेंट है, मैं तो बहुत खुश मिजाजी हूँ और आज तो मैंने फेशियल भी किया, देखो मेरा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। चुप रे नागिन दुरट, मुझे दोबारा ड्यूटी पर जाना है। हाँ। और सुनो, हाँ। खिड़की दरवाजा बंद कर लेना, वैसे तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, मेरे किचन का सामान कहीं कोई चोरी ना कर जाए। ठीक है, जानू जानू आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? जाने से पहले मम्मा को एक किस, मेरा मतलब है डार्लिंग को एक किस तो कीजिएगी। नो नो वेट नो नो बाय बाय, मेरा व्रत है। अच्छा व्रत है, तो मेरे होठों पे कौन सा आटा लगाए कि तुम्हारा व्रत टूट जाएगा? एक पत्ती तो दे दो मुझे। एक साल बाद, एक साल बाद ऐसे ही करते, कभी मुझे पप्पी नहीं देते। आज रात को आने दो, पप्पी दे देके उसे घायल कर दूंगी मैं। हेलो चले गए, आइए बाहर। ए, मेरे पति पप्पी नहीं, नहीं नहीं पप्पी की बात नहीं कर रही हूँ। ये तेरा पति था? यस ये इससे अच्छा 5 लीटर का तेल का पीपा ले लेती। तेरे किसी काम तो आता? इधर बैठ। तेरे पति को देखे मैं खामखा चुप गया, इसके तो सामने डाका मार लेते, ये मेरा क्या बिगाड़ लेता, उल्टा हमारी हेल्प करता। पहले हम छोटा गड्ढा करते, इसको भेजते कि जा चूहे बाहर निकाल, उसको बोलना बड़े साहब आ रहे हैं। ये मैं बैंक लूटता हूँ। हाँ। और तुम मेरी हेल्प करोगी? देखिए भाई साहब, मेरे दांत बड़े, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको इस्तेमाल करूंगी इस दीवार पे। सॉरी आई कैन नॉट। मैंने तुम्हें कहा डंडा मार के ना मुंह तोड़ दूंगा मतलब, ठीक है? अभी किसी को बताना नहीं, अभी घर में कोई नहीं आना चाहिए, नहीं कोई पति नहीं आना चाहिए। वाह, लकड़ी के डंडे से सीमेंट की दीवार तोड़ने का मजा ही कुछ और है। राठौड़, राउडी राठौड़। मैंने भी देखी है, सुन। तू तो बोले थी दीवार के उस तरफ बैंक है, उधर तो बच्चों का पिगी बैंक खड़ा है। ये क्या? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसने पक्का बैंक में एफडी कराई होगी ताकि 5 साल बाद 2 हो जाए, ऊपर जोड़ के लंबा हो जाए। ए, बकवास मत कर, ये बैंक नहीं है, पुलिस स्टेशन है। तू तो कह रही थी बैंक के इधर। वो सॉरी, मेरे को डायरेक्शन का प्रॉब्लम था, उस वक्त मैं राइट में थी ना, लेफ्ट का समझ में नहीं, आई एम सॉरी। बैंक उस तरफ है बेटा। बेटा किसको बोला भाई, नवजात शिशु? अबे तुम लोग क्या कर रहे? ये मियां बीवी अपने तरफ देखा कभी? एक बच्चों का गुल्लक, दूसरी का मुंह एटीएम जैसे खुला हुआ, कार्ड डाल के नोट निकाल लो। इधर इधर चल, थाने चल। नहीं नहीं मेरे को काम है, मैं कहीं और जाना, तुम जाओ। अबे तू चल, मेरी बात मान, चल। नहीं लेके क्यों जा रहे मेरे को? सॉरी ना बोला, सॉरी बट ठीक है। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई बैंक लूटने की? ए बैंक लूटर? कौन सा बैंक लूटा मैंने? अबे तू यहाँ से क्या कर रहा था? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता टीवी के ऊपर। अबे अबे चल, तू ऐसे नहीं मानेगा। ए मेरी बात सुनो, पागल ना रहे मुझे, आज इतवार का दिन है, आज तो सारे बैंक बंद है, सारे थाने बंद है, जज कोई मिलेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ इधर जज बैठे हुए इधर ही फैसला करते, गोली मारो, 7-8 बज रहे, घर जाके चाय वाय पीते, सोना आराम से। ठीक है पूछ लो। हैं? मैं तो कहता निकल ही चलते, पूछते नहीं।